जय हिंद दोस्तों। अखंड भारत की डिबेट को काफी लंबा टाइम हो गया इंडिया में। कई पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि अखंड भारत होना चाहिए, वहीं कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कहती है अखंड भारत नहीं होना चाहिए। अब अगर अखंड भारत बनता है तो अखंड भारत कैसा लगेगा हमारा, क्या क्या चीजें अखंड भारत में इंक्लूड होंगी एंड मेरे पर्सनल व्यूज क्या है इस बारे में। अब इस डिस्कशन के बाद आप एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहां से आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि अखंड भारत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम सबके दिमाग में डाउट रहता है कि जियोपॉलिटिकल अखंड भारत क्या है, कल्चरल अखंड भारत क्या है, हम कौन से अखंड भारत की बात करते हैं इन दोनों में से। अभी अगर आप इस मैप को देखो जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, तिब्बत, थाईलैंड, मालदीव्स, ये सारे देश हैं। अगर हम आगे चल के इन सारे देशों को मिलिट्री के द्वारा एक्वायर कर लेते हैं, यानी इनके ऊपर हम युद्ध लड़ते हैं एंड सबको इंडिया में मिला लेते हैं, तो ये हो जाएगा जियोपॉलिटिकल अखंड भारत। यानी कि हमने अपनी ताकत दिखाई, जियोपॉलिटिकली हमने इन सबको कब्जे में ले लिया। जब हम कल्चरल अखंड भारत की बात करते हैं तो उससे ये मतलब होता है कि जो हमारे पुराने रूट्स हैं वो सेम है, हमारी कल्चरल वैल्यूज, मॉरल्स, कस्टम्स सेम है। जैसे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब के रेफरेंस हमारी हिस्ट्री में है कि हम सब सेम थे। जैसे तक्षशिला का रेफरेंस है चाणक्य जी के साथ, उसके अलावा गंधारी का रेफरेंस देखते हो आप महाभारत में, जो कि अफगानिस्तान के एक शहर से बिलोंग करती थी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम पे भी सेम थी एंड आज के टाइम पे भी सेम है। तो जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर अलग अलग लोग जो कि बड़े पद पे हैं इंडिया के, जब भी वो बड़े बड़ी जगह पे अखंड भारत की बात करते हैं तो उनका रेफरेंस यही होता है कि जो कल्चरली हम लोग सेम है ना, हम उनको ऐसा बनाएं ताकि वो एक अखंडता में आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ युद्ध में जाके उनको सेम मिला लें। अब वहीं दूसरे टाइप ऐसे लोग हैं जो जियोपॉलिटिकल अखंड भारत की बात करते हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया अभी कि यानी कि सबके साथ जाओ युद्ध लड़के एंड उनको एक साथ मिला लो। तो जो आज का टॉपिक है वो यही जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे हम, ये समझेंगे कि क्या ये रियलिटी है या नहीं है। अब अखंड भारत की डिबेट में आगे जाने से पहले ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पास्ट में कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती थी जिसके बेसिस पे हम प्रेजेंट इंडिया बना सकें, जिसको देख के हम कह सकें कि वो पास्ट का अखंड भारत था एंड हमें वैसा अखंड भारत चाहिए। क्या ऐसा कुछ था, ऐसा हवाबाजी चल रही है? अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें दो बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला कि जो इंडिया था उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ एंड दूसरा कि पहले के जो लोग हैं वो कैसे रहा करते थे। देखो दुनिया में जो भी अलग अलग जगह पे मानव विकसित हुए या जो इंडिया में विकसित हुए, उन्हें कंट्री से कोई मतलब नहीं था। उनका सीधा सा हिसाब था, हमें खाना पीना है, फल फूल इकट्ठे करने हैं, जानवरों को मारना है एंड अपना गुजर बसर करना है, कैसे भी कहीं भी खाना है, कहीं भी रहना है, कहीं भी सो जाना है। अब उसके बाद एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बाद एक बड़ी चीज़ होती है, बड़ी चीज़ ये होती है कि लोग अपना खेत डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि इधर मैं खेती करूँगा, इधर तुम करना। अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होते हैं, वो अपना एक लीडर चुन के रख देते हैं, ये लीडर हमारी रक्षा करेगा। अब इसको अगर मैं वैदिक पीरियड से रिलेट करूँ जो कि इंडिया में 1000 BC के आसपास था, उस टाइम पे क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है जन, उनको एक बंदा लीड कर रहा होता है राजन। अब वो बंदा उन लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। अब ऐसे ही जब कई सारे जन इकट्ठा हो जाते हैं तो उस वैदिक पीरियड के बाद एक टाइम आता है जिसे कहते हैं महाजनपद पीरियड। अब इंडिया में 16 बड़े बड़े महाजनपद बनते हैं। अब ये जो 16 महाजनपद बनते हैं, उन महाजनपदों में भी कुछ महाजनपद ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे मगध एम्पायर हो गया या फिर अवंती हो गया, एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपना एरिया एक्सपांड करेंगे, अपने आप को बड़ा बनाएंगे। अब ऐसे एक प्राइम एग्जांपल है आपके पास मौर्यन एम्पायर के अशोका। अशोका क्या करते हैं, लगभग पूरे जो इंडिया वाला पार्ट है, अफगानिस्तान वाला पार्ट है, इन पूरे को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि वो भी पूरे इंडिया को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाते। जो कावेरी बेसिन से नीचे वाला साउथ इंडिया है, वहां पर चोला चेरा पांड्या नाम की जो डायनेस्टीज थी वो उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करती थी। इसका मतलब ये था कि अशोका भी डायरेक्टली रूल नहीं कर पाए थे। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने डायरेक्टली पूरे इंडिया को कंट्रोल कर लिया हो। उसके बाद आगे अगर हम बढ़े तो राजपूत किंगडम्स आते हैं अर्ली मेडिवल टाइम्स में, यानी कि 750 AD के आसपास। अब उस टाइम पे भी उन लोगों ने डायरेक्टली इंडिया पे रूल नहीं किया, वो छोटे छोटे क्लस्टर में रूल करते थे। जैसे कि चौहान डायनेस्टी राजस्थान में आ गई, तोमर डायनेस्टी आ गई दिल्ली के अंदर, ऐसे ही वो रूल किया करते थे। अब इसके बाद 1192 में मोहम्मद घोरी इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत है उसका विकास करते हैं। अब दिल्ली सल्तनत में मोस्ट फेमस किंग आते हैं अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है कि लगभग उन्होंने पूरा इंडिया कंट्रोल कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरे इंडिया के एक एक पार्ट को कंट्रोल कर लिया हो, वहां पे भी एग्जिस्टेंस थी अलग अलग राज्यों की। इसके बाद अगर हम मुगल्स की बात करते हैं तो मुगल के मोस्ट फेमस किंग यानी अकबर, उनका आप मैप देख सकते हो, उन्होंने भी पूरे इंडिया पे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया। इसके बाद आते हैं हमारे भाई साहब औरंगजेब। अब औरंगजेब का सिस्टम ये था कि उनके ऊपर काफी डिबेट चल रही है प्रेजेंट टाइम में कि उनके पास अखंड भारत था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मराठा एम्पायर उस टाइम पे था एंड मराठा एम्पायर ने कभी भी औरंगजेब के सामने अपने हथियार नहीं डाले, मीन्स वो अपने अलग राज्य चलाते रहे। अब इसके बाद आप सोचोगे कि फिर अखंड भारत आया कहाँ से, तो उसके लिए थोड़ा सा ना अंग्रेजों को समझना पड़ेगा हमें।
अंग्रेज आते हैं इंडिया में 16वीं शताब्दी में। उसके बाद वो क्या करते हैं, धीरे धीरे सारे राज्यों को अपने अंडर में लेना शुरू करते हैं। अब उन्होंने सारे राज्यों को अपने अंडर ले लिया, स्वतंत्रता संग्राम होता है इंडिया में, 1947 का समय आता है। अब आजादी के समय मुस्लिम लीग मांग करती है कि हमें मुस्लिम्स के लिए अलग देश चाहिए। उस टाइम पर जो लोग थे, जैसे हिंदू महासभा के लोग थे या आरएसएस के लोग थे, उनके हिसाब से जो अखंड भारत था वो प्रेजेंट डे इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान था। उन्होंने कहा कि ये जो देश है ये अलग नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम्स को साथ में रहना चाहिए, लेकिन ये चीज फिलहाल नहीं हो पाई। उसके बाद 1971 में पाकिस्तान भी अलग हो जाता है बांग्लादेश से एंड एक अलग एंटिटी बन के आ जाती है। तो मन में ये सवाल उठता है कि जब कोई अखंड भारत जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो प्रेजेंट टाइम में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कौन से अखंड भारत की बात करते हैं? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखो, अलग अलग टाइम पे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं सभी देशों के, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के, वो ऐसी इमेजिनेशन करवाते रहते हैं। जैसे रशिया, ग्रेट रशिया की बात करता है, उसके अलावा जर्मनी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हिटलर ने कहा कि आपका एक ग्लोरियस पास्ट था, ये जो ज्यूज हैं ये बेकार है, इनको होलोकॉस्ट कर दो, मार दो इनको, उसके चक्कर में उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू करवा दिया। अब ऐसे ही प्रेजेंट टाइम में जो लीडर्स हैं वो एक ऐसी इमेजिनेशन देना चाहते हैं जिसके चक्कर में एक डिवाइड पैदा हो सके लोगों के बीच में। अब मन में ये सवाल आया होगा कि अगर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फिर ऐसे पॉलिटिकल इमेजिनेशन से फायदा क्या है? देखो, फायदा है दो चीजें हैं। पहला तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका एजेंडा सेट हो जाता है। दूसरा ये कि जो इमेजिनेशन हम करते हैं, हमारे दिमाग में जो ग्लोरियस पास्ट बनता है, उसकी वजह से हम एक हाइपर नेशनलिस्ट पोजीशन में पहुंच जाते हैं, जहां पे हमें ये लगता है कि हमारे देश से ऊपर कुछ नहीं था, हमारा देश बेस्ट था, हम बेस्ट थे, मतलब हम ही हमें, बाकी सब पानी कम है, वो वाली सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं। अब ना मैं आपको एक इमेजिनेशन प्रेजेंट कर दूं अपनी तरफ से यहाँ पे, यानी कि हम अखंड भारत बनाएंगे यहीं बैठ के। अब कैसे बनाएंगे? सपोज करो हमें अफगानिस्तान लेना है, उसके अलावा तिब्बत लेना है, पाकिस्तान लेना है, बांग्लादेश लेना है, तुला एम्पायर ने जहां जहां रूल किया, यानी मालदीव्स पे किया, थाईलैंड पे किया, इन सारी जगहों को हमें लेना है। अब हम कैसे लेंगे? बेसिक सी बात है, हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा। सपोज करो हम युद्ध पे चले जाते हैं अफगानिस्तान के साथ, भले ही वहां पे तालिबान गवर्नमेंट है, भले ही वहां के लोग तालिबान से परेशान है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंडिया पे इंटीग्रेट होना चाहेंगे। दूसरा एग्जांपल ये है कि भले ही पाकिस्तान के लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तिरंगा लेके खड़े हैं कि इंडिया आ जाए हमें इंटीग्रेट कर ले। चाहे वो चाइना के लोग हैं, चाहे वो तिब्बत हो, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो कि ये चाहेगी कि दूसरी कंट्री आके उसके ऊपर रूल कर ले। अब आप इंडिया को लेके सोचो, अभी इंडिया में लोग क्या कहते हैं, जैसे सुब्रमण्यम जी का आप ये इंटरव्यू देखो। Ideology says so. I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, that's if Muslims become more than 30%, that country is in danger. जहाँ पे वो साफ साफ कह रहे हैं कि 30% से ज्यादा जो मुस्लिम्स है वो किसी भी कंट्री के लिए खतरा है। एक बात बताओ मुझे आप, अगर आप अफगानिस्तान लेते हो, पाकिस्तान लेते हो, बांग्लादेश लेते हो, इन जगह हिंदू हैं क्या? सारे मिक्स हो जाएंगे तो पॉपुलेशन किसकी बढ़ेगी? मुस्लिम्स की बढ़ेगी, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। आज आप अखंड भारत की बात कर रहे हो, कल आपको दिक्कत नहीं होगी इससे? अगर कल आपको दिक्कत होगी तो आज आप क्यों बोल रहे हो कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन से दिक्कत है? तब तो आपको खुश रहना चाहिए ना, मुस्लिम की पॉपुलेशन यही बढ़ रही है, कुल मिला के वहां से मुस्लिम की पॉपुलेशन ही तो आएगी। ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है हमसे, या फिर अफगानिस्तान के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जो हमारे पास नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। दूसरा एग्जांपल आप ये समझ सकते हो, देखो आज के टाइम पे जहाँ पे नेशनलिज्म चारों तरफ बहुत पीक में, उस टाइम पर कोई भी एक कंट्री जाके दूसरे कंट्री के लोगों को अपना देश नहीं बनवा सकती है। वो ये नहीं कह सकती जाके पाकिस्तान में कि आप पाकिस्तानी नहीं, आज से हिंदुस्तानी हो। इसका प्राइम एग्जांपल आप रशिया यूक्रेन वॉर में देख सकते हो, जहाँ पर रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके बाद भी यूक्रेनियन जो लोग हैं वो कभी भी रशिया को अपना देश नहीं मानेंगे, वो हमेशा रशिया को अपने आप से अलग ही मानेंगे। चलो ये चीज़ें भी साइड रखते हैं, मान लेते हैं कि सारी कंट्रीज रेडी हो जाती है, वहाँ के लोग रेडी हो जाते हैं कि सब इंडिया में आना चाह रहे हैं। सवाल यहाँ पे उठता है, क्या इंडिया के लोग रेडी है अखंड भारत के लिए? आज भी आपको ये नहीं लगता कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं? अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करो तो वहाँ की जो एथनिक रिफ्लेक्शन है वो अलग है हमसे। जैसे कई बार आपने देखा होगा अपने फैमिली या फ्रेंड सर्कल में, जहाँ पे कुछ नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को नेपाली करके बुलाया जाता है, चाइनीज करके बुलाया जाता है, ये दिक्कत नहीं है इंडिया में? इंडिया में जो रिलीजियस कम्युनिटी रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या इनके बीच में कंफ्लिक्ट नहीं है? क्या आज के टाइम पे जो साउथ इंडियन कल्चर है, नॉर्थ इंडियन कल्चर है, वो आपस में अलग नहीं है लैंग्वेज के बेसिस पे या और भी अलग पहनावे के बेसिस पे अलग नहीं है? अगर आप अफगानिस्तान को लिया होगा, आप पाकिस्तान को लिया होगा, बांग्लादेश को लिया होगा, आपके पास और भी कल्चरल डाइवर्सिटी आ जाएंगी एंड देयर विल बी मोर प्रॉब्लम्स। उसके लिए अभी इंडिया रेडी नहीं है। चलो अब इतना इमेजिन कर लिया तो ये भी इमेजिन कर लेते हैं कि ये चीज भी सक्सेसफुल हो जाएगी। अब इसके फायदे की बात कर लेते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब ऐसा टाइम आता है जहाँ पे सारी कंट्रीज एक हो जाती हैं, तो उसके फायदे क्या होंगे? देखो सबसे बड़ा फायदा होगा कि किसी भी देश को मिलिट्री रखने की जरूरत नहीं होगी। जब सारा ही देश एक है तो किसके खिलाफ लड़ोगे आप? आप एक दूसरे के देश में जाके आराम से ट्रैवल कर सकते हो, फ्री ट्रेड हो सकता है, इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। यानी कि जो आज इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर,
या अफगानिस्तान में जो इश्यूज चल रहे हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। अब इंडिया को क्या फायदा इससे? देखो, इंडिया को इससे नुकसान ज्यादा है। अब नुकसान कैसे ज्यादा है उस चीज को समझते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स खुलते हैं अखंड भारत के नाम पे, या फिर सांस्कृतिक भारत के नाम पे, जो कि मोदी जी एक टर्म यूज करते हैं कि हमारे कल्चर एक है इसलिए हमें सांस्कृतिक भारत बनाना चाहिए, अगर उस नाम पर हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन किए जाते हैं, तो आपने रिसेंट में सुना होगा जैसे कि सीमा हैदर जी नेपाल के रास्ते इंडिया आ गई, वो नेपाल से नहीं आएंगी, डायरेक्ट इंडिया ही आ जाएंगी, पाकिस्तान टू इंडिया डायरेक्ट बुकिंग। उसके अलावा जो अंजू जी इंडिया से पाकिस्तान गई है ना, ऐसे बहुत सारे लोग आना जाना शुरू कर देंगे। अब आप कहोगे इससे दिक्कत क्या? दिक्कत है ही नहीं, सिर्फ आतंकवादी तो आएंगे पाकिस्तान से इंडिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ताज जैसे इंसिडेंट बढ़ जाएंगे, जो भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं इंडिया में ज्यादा बढ़ जाएंगे, रेडिक्लेम ज्यादा बढ़ जाएगा, हिंदू मुस्लिम के दंगे ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ज्यादा कुछ होगा नहीं। अब मैंने इतनी सारी समस्या बता दी अखंड भारत के बारे में, तो क्या लगता है आपको अखंड भारत को भूल जाना चाहिए? देखो, आपको भूलना नहीं है अखंड भारत को। दो चीजें हमें क्लियर करनी है। पहला, अखंड भारत की डेफिनेशन, आपको उसमें कौन सी कंट्रीज चाहिए? आपको उसमें मालदीव चाहिए, थाईलैंड चाहिए, म्यांमार चाहिए, अफगानिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, आपको उसमें चाहिए क्या? दूसरा, वहां के जो लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग, पाकिस्तान के लोग, ये इंडिया में आने के लिए रेडी होने चाहिए। अब इस चीज को ना एक स्टोरी से समझते हैं। एवेंजर्स मूवी आपने देखी है? एवेंजर्स मूवी में कैरेक्टर होता है थॉर। थॉर के पापा होते हैं ऑडिन। ऑडिन एक ऐसी जगह पे राज कर रहे होते हैं जिसका नाम होता है एसगार्ड। अब एसगार्ड पे एक टाइम पे काली शक्तियां आके एसगार्ड को बर्बाद कर देती हैं। तो अब सवाल होता है कि एसगार्ड कहाँ बनेगा? तो उसमें जो ओडिन होते हैं जवाब देते हैं कि एसगार्ड वहीं होगा जहाँ एसगार्ड के वासी होंगे। अब ऐसे ही प्रेजेंट टाइम में अखंड भारत कहाँ होगा? अखंड भारत वहीं होगा जहाँ अखंड भारत के भारतवासी होंगे। यानी कि हम किसी जियोपॉलिटिकल एंटिटी को अखंड भारत नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि अगर कल को हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको कैप्चर कर लेते हैं, एक जगह ले आते हैं, तब भी वो अखंड भारत नहीं बनेगा। अब वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो भारतवासी नहीं कहलाएंगे, वो अपने आप को एक अलग ही देखेंगे, अलग नजरिए से खुद को देखेंगे। तो ऐसे ही अखंड भारत वहाँ होगा जहाँ अखंड भारतवासी होंगे। अभी ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई इसका एक प्राइम एग्जांपल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे कि नागालैंड। इसको हमने कैप्चर तो कर लिया, लेकिन वहाँ पे अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो अपने एक अलग देश की डिमांड कर रहे हैं। अभी जो हमने एक पूरा डिस्कशन किया, इसका कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन ये है कि हमें जो भी पार्ट्स हमारे खोए हुए हैं पहले हमें उन्हें वापस लाना है, जैसे कि POK हो गया, अक्साई चीन हो गया, या फिर अरुणाचल में जो भी एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं उन्हें रोकना है। उसके बाद हमारी जो सोशो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि हिंदू मुस्लिम्स, इनको हमें एक करना है। जो भी एथनिक डिवाइड है हमारे बीच में उस डिवाइड को कम करना है। साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया डिबेट को ख़त्म करना है। तो पहले हमें अपने देश को इंटीग्रेट करना है, बाद में अखंड भारत देखेंगे। अब मैं जाते जाते एक बात साफ करना चाहता हूँ कि ये जो भी व्यूज़ थे ये मेरे अपने थे, ऐसे ही आपके व्यूज़ भी हो सकते हैं। व्यूज़ को आप मेरे साथ शेयर करिए ताकि मुझे पता चले कि अलग अलग लोगों के क्या विचार हैं इसके ऊपर। थैंक यू।